हेलो बच्चों, मैं अंकित मलिक। ठीक है, हमारे साथ हैं अवन कुमार गुप्ता। आज हम लेके आए गुरु नीति का 31 एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट। इस मॉडर्न फिजिक्स फर्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका कुछ पोर्शन आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। इसके अंदर हम बात करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर के बारे में। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए, जैसे कि पार्टिकल ऑफ मास एम एंड इनिशियली वेलोसिटी इज वी। अब ये कोलाइड कर रहा है एक पार्टिकल बी से, जिसका मास है m by 2, which is at rest, जो पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर है। The collision is head on, जो collision हो रहा है वो head on हो रहा है, वो भी इलास्टिक। The ratio of the de Broglie wavelength lambda a and lambda b after collision, collision के बाद lambda a lambda b की वैल्यू पूछी है। तो हम सबसे पहले क्या हो रहा है, इसमें collision हो रहा है। तो collision हो रहा है, तो collision किस किस में, एक पार्टिकल m और दूसरा पार्टिकल है जिसका मास है m by 2 जो रेस्ट पर है। तो मान लिया एक पार्टिकल है m जिसकी वेलोसिटी v है, दूसरा पार्टिकल है m by 2 जिस जो क्या है, रेस्ट पर है। ये कब है, बिफोर कोलिजन, कोलिजन से पहले। जब ये दोनों कोलाइड हो रहे हैं, कोलाइड होने के बाद उसने बात बताई है, क्वेश्चन में बोला है कि जो मास m है वो मान लेते इलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में इनकी वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट। तो मान लिया इसकी वेलोसिटी कितनी है va, और मास जो m by 2 है उसकी वेलोसिटी कितनी है vb। ठीक है, तो दोनों की वेलोसिटी इसकी कितनी आ जाएगी vb। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमें पता है जब हम कोलिजन पढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। तो यहां पर हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं, क्योंकि जो कोलिजन हो रहा है वो इलास्टिक है, तो लीनियर आपका एनर्जी कंजर्वेशन भी लग सकता है। तो पहला हम लगाएंगे फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन। तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया तो इसका मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी एम वी। ठीक है, क्योंकि ये तो रेस्ट पर है तो इसके लिए कितना मोमेंटम हो जाएगा, जीरो। इसके लिए मोमेंटम कितना हो जाएगा, जीरो। अब अगर इसकी बात करें इसके लिए होने के लिए मोमेंटम कितना, इसके लिए कितना, एम वी ए प्लस इसके लिए मास इनटू वेलोसिटी एम बाय टू वी भी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सब जगह से एम क्या आएगा, कट जाएगा, तो बचा क्या, v is equals to va plus vb by 2, this is equation 1। अब इस momentum conservation के बाद में हम क्या लगा सकते हैं, हमें पता है इलास्टिक कोलिजन है तो energy क्या होनी चाहिए, conserve होनी चाहिए। तो अगर मैं energy conserve लगाऊं, तो energy conserve लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, initial energy कितनी है, half mv square equal to बाद में कितनी हो जाएगी, 1 upon 2 m va square plus 1 upon 2 m by 2, इसका मास कितना है m by 2 और वेलोसिटी कितनी vb का स्क्वायर। यहां भी m से m और हाफ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, v स्क्वायर इक्वल टू va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर by 2। ये इक्वेशन हो गई 2। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो इस पे से ये v की वैल्यू हम यहां से पुट कर सकते हैं, और अगर इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो मान लीजिए जैसे v पुट करेंगे तो क्या आएगा, va प्लस vb by 2 का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर होना चाहिए, va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर by 2 के। ठीक है, तो अगर हम आगे बात करें दोनों को सॉल्व करें तो इसका स्क्वायर खोलें, तो स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा, va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर by 4 प्लस 2 va vb by 2 इक्वल टू va स्क्वायर प्लस vb स्क्वायर by 2। ठीक है, यहां से देखेंगे तो va स्क्वायर दोनों तरफ से कट जाएगा, और यहां से ये 2 से 2b कट जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो ये बन गया va vb इक्वल टू 1 by 2 से 1 by 4 चला जाएगा, तो बचेगा क्या, vb square by 4, ये square से भी कट जाएगा। तो यहां से पता लगा कि velocity of b जो है वो 4 times of velocity of a है। अब इस equation को हम use करेंगे, क्योंकि हमें velocity पता लग गया, तो चूंकि हमें question में निकालना क्या था, तो question में निकालना क्या था, हमें de Broglie wavelength, तो de Broglie wavelength अगर हमें निकालना है तो de Broglie wavelength हम निकालने के लिए हम momentum निकाल लेंगे। तो momentum क्या होता है, हमें पता है कि momentum is inversely proportional to wavelength, तो यहां से हम momentum मुझे पता है, मास velocity पता लगी गई, दोनों body का mass मुझे पता है, तो मैं momentum निकाल लूंगा। तो अगर मैं इसकी velocity, तो हम निकालते हैं, देखिए
तो अगर वेलोसिटी लिखें तो मैं मोमेंटम निकाल रहा हूं ए पार्टिकल के लिए, तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए, तो ये आपका मोमेंटम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं मोमेंटम निकालू बी के लिए तो वो हो जाएगा मास ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ बी, क्योंकि इसका मास कितना था m और वेलोसिटी कितनी, मैं मान लेता हूं v यही है, और इसका मास कितना था m by 2 और वेलोसिटी कितनी है इसकी, v भी किसके बराबर लिख सकता हूं 4 times of va के बराबर है, क्योंकि ये कट जाएगा 2 से, तो क्या मिल जाएगा, ये 2 pa के बराबर आ जाएगा। तो अगर मैं यहां रिलेशन निकालूं कि मोमेंटम ऑफ a डिवाइडेड बाय मोमेंटम ऑफ b इज इक्वल टू कितना आ रहा है, तो यहां लिखेंगे pa अपॉन 2 times of pa यानी कि 1/2, और मुझे पता है कि वेवलेंथ क्या होती है, मोमेंटम वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि लैम्डा ए अपॉन लैम्डा बी बराबर कितना होगा, कितना होगा 2। ओके ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन होता है, तो बच्चों अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वेरियस एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिट रेडिएशन टू कम टू ग्राउंड स्टेट लैम्डा एन एंड लैम्डा जी विद द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth स्टेट एंड the ground state respectively, let lambda n be the wavelength of emitted photon in the transition from nth to ground. तो आपको फिर इन wavelengths का relation बताना है। तो चलो इस question की शुरुआत करते हैं। तो इस केस में हमारे पास ये मान लेते हैं nucleus और ये इसकी first orbit और ये इसकी कोई nth orbit। यहाँ से electron जब transition करके आता है तो जो photon की energy होती है वो photon की energy दोनों level के energy difference के बराबर होती है। अब value wise बात करें तो ground state की जो energy होती है फर्स्ट लेवल या ग्राउंड लेवल की एनर्जी वो ज्यादा होती है, उसमें से हम बात कर लेते हैं एंड लेवल की एनर्जी को माइनस कर लेते हैं। अब हमें पता है जो लेवल्स की एनर्जी होती है तो नहीं काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ लेवल जितना होता है उतना ही काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, और काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा पी स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ पे ग्राउंड लेवल की एनर्जी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम, ये पी क्या बेटा यहाँ पे मोमेंटम, तो पी स्क्वायर बाय 2m और ये हो जाएगा पी एन स्क्वायर बाय 2m। यहाँ से मैं पी ग्राउंड इसको मैं बाहर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस पी एन स्क्वायर बाय पी जी स्क्वायर, दिस इज व्हाट, दिस इज एच सी बाय दिस। अब हमें पता है कि जो मोमेंटम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैम्डा के, ये लैम्डा कौन सी वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो यहां से मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं एच सी बाय दिस पी ग्राउंड स्क्वायर 2m 1 माइनस इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी, तो दिस इज लैम्डा जी बाय लैम्डा n स्क्वायर। ओके अब यहां से मुझे बताना है इस की वैल्यू, तो मैं इसको इधर लाता हूं एच सी अपॉन पी जी स्क्वायर अपॉन 2m 1 माइनस लैम्डा जी बाय लैम्डा एन स्क्वायर। ओके अब हमें पता है कि मोमेंटम जो है वो ग्राउंड स्टेट में ज्यादा होता है तो वहां वेवलेंथ कम होगी, और यहाँ डिफरेंस काफी अच्छा खासा दिया हुआ है ना, तो लैम्डा ग्राउंड जो वेवलेंथ है वो काफी कम होगी nth ऑर्बिट की वेवलेंथ के मुकाबले, तो ये जो पूरा फैक्टर है लैम्डा जी जो है वो लेस देन होगा लैम्डा एन से, तो यहाँ मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर यूज करता हूँ तो एच सी और 2m ऊपर आ जाएगा बाय पी ग्राउंड स्क्वायर, और ये टर्म मेरे पास बन जाएगी 1 माइनस लैम्डा जी बाय लैम्डा एन स्क्वायर पावर माइनस 2, तो पावर माइनस 1। ओके तो ये बन जाएगा मेरे पास 2m एच सी पी ग्राउंड, ये पी ग्राउंड क्या है मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट, 1 प्लस लैम्डा जी स्क्वायर बाय लैम्डा एन स्क्वायर। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो यहाँ पे ये क्या रहा है, ये जो पूरी टर्म बनेगी कांस्टेंट बनेगी, ये सी है स्पीड ऑफ लाइट, तो ये पूरी टर्म जो है वो कांस्टेंट बनेगी, तो इस हिसाब से हमारे पास जो टर्म बन जाएगी वो बन जाएगी ए प्लस, अब यहाँ पे लैम्डा जी भी कांस्टेंट टर्म है तो बी बाय लैम्डा एन स्क्वायर। तो इस तरह से आपका रिलेशन हो गया, आप देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा हमारा, तो हमारा जो रिलेशन आ रहा है उसके हिसाब से ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन जो है वो हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन। ओके बच्चों तो ये आराम से अपना कांस्टेंट यहाँ बन रहा है क्वेश्चन, और बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट इसमें मैटर वेव का और एटॉमिक जो हाइड्रोजन मॉडल है वो कंसेप्ट आपको यूज करना है। ओके सर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है थर्ड क्वेश्चन में, सरफेस ऑफ मेटल इज द फर्स्ट इल्यूमिनेटेड विद द लाइट ऑफ वेवलेंथ कितना दिया है लैम्डा 1 =
350 नैनोमीटर, ठीक है, एंड द लाइट ऑफ वेवलेंथ आपको लैम्डा 2 दे रखा है 540 नैनोमीटर. इट इज फाउंड द मैक्सिमम स्पीड, जो मैक्सिमम स्पीड होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की इज द टू केसेस, तो इन दोनों केसेस में उसका फैक्टर्स कितना होना चाहिए, वो टू होना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम वेलोसिटी किसके टू टाइम्स ऑफ स्मॉलर वेलोसिटी के बराबर होगा. द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल, जो वर्क फंक्शन होगा मेटल का वो आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा है, जिसमें आपको दे रहा है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स इतना है, ठीक है. तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन मुझे पता है कि किसी भी मेटल्स के लिए, किसी भी मेटल्स में अगर फोटॉन्स या कोई एनर्जी अपन देते हैं तो वहां से क्या होता है, उसकी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स कब, मुझे पता है कि वो इलेक्ट्रॉन्स तब ही रिमूव होंगे जब मैं उस मेटल के वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी, यानी कि अगर इस पर कुछ एनर्जी दी मैंने तो वो एनर्जी जो होगी वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी यहां से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो रिमूव होगा, ठीक है, और उसके पास जो एनर्जी होगी वो मैक्सिमम ही होगी, क्योंकि इतनी तो एनर्जी चाहिए तब वो इतनी तो बॉडी मतलब मेटल आपका एब्जॉर्ब करेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा, तो उसके बाद जो वेलोसिटी बचेगी वो कैसी जाएगी आपके पास, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी. तो अगर मैं इसके रिलेशन करते गई तो यानी कि इन दोनों का डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब इन दोनों का डिफरेंस जो वेलोसिटी होगी, जो एनर्जी बचेगी वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए काम आएगी. तो इसकी वैल्यू लिखे अपन तो 1/2m. तो अगर इनिशियली बॉडी के लिए बात करते हैं, इनिशियली मान लेते हैं कि वेलोसिटी 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स है यानी कि 2v, मान लेते हैं कि 2v स्क्वायर है, तो ये कितना है h mu minus 5. h mu की भी वैल्यू पुट कर दें तो v की वैल्यू कितनी होगी, hc upon lambda 1. अच्छा, मैंने वेलोसिटी 2 टाइम्स क्यों बोला है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिखा है कि फैक्टर्स मैक्सिमम वेलोसिटी 2 टाइम्स है उसके स्पीड के, तो इसीलिए मैंने यहां पर 2v यूज किया. अब दूसरी कंडीशन के लिए अगर बात करें तो वेवलेंथ मान लेते हैं लैम्डा 2 है, तो वेलोसिटी इसकी कितनी है, v मान लेते हैं 1/2m v स्क्वायर, तो hc / लैम्डा 2 - 5. अगर इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, दोनों का अगर अपन रेशो बनाए तो इक्वेशन 1/2 अगर सॉल्व करूंगा तो यहां से देखोगे हाफ एम तो कट जाएगा, v स्क्वायर कट जाएगा, तो बचेगा कितना 4, तो ये आ गया आपका 4 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, hc अपॉन लैम्डा 1 माइनस 5 अपॉन hc अपॉन लैम्डा 2 माइनस 5. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको, तो यहां से 4 टाइम्स ऑफ hc / लैम्डा 2 माइनस 4 5 इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा 1 माइनस 5. इसको कैलकुलेट करेंगे तो सीधा आपकी इक्वेशन बन जाएगा 3 5 इक्वल्स टू hc कॉमन 1 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1, ठीक है, 4 अपॉन लैम्डा. तो 3 5 इज इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा, यहाँ यह बन जाएगा आपका एच सी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बनेगा 4 अपॉन लैम्डा 2 माइनस 1 अपॉन लैम्डा 1, ठीक. अब इस वैल्यूज को हम यहाँ पुट करेंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 की मुझे वैल्यू पता है, ये आपका लैम्डा 2 दे रखा है 540 नैनोमीटर, लैम्डा 1 दे रखा है 350 नैनोमीटर. अब इस वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करते हैं और एच और सी मुझे पता है कि एच और सी कितना होता है, ये एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, सी क्या है, लाइट वेलोसिटी, तो यहां से मुझे phi निकालना है, तो ये बन जाएगा hc, तो hc को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 12400 डिवाइडेड बाय 3. अब यहां वैल्यू अगर पुट करें तो ये हो गया 4 अपॉन लैम्डा 2, लैम्डा 2 = 540, तो लैम्डा 1 350, तो ये हो जाएगा 540 माइनस 1 अपॉन 350, ठीक है. इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आपको यहां से कैलकुलेट होगा, कैलकुलेट करने पर 1.8 और ये 12 से 40 बन जाएगा, ठीक है. ओके बेटा, नेक्स्ट पे आते हैं. ओके सर, तो नेक्स्ट पे आते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है बेटा कि एक मेटल प्लेट ऑफ एरिया 1×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज इलिमिनेटेड बाय रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी दिस. देखो रेडिएशन की इंटेंसिटी गिवन है, आपको एरिया गिवन है, तो सबसे पहले मैं इंटेंसिटी और एरिया से पावर निकाल लेता हूं. पावर क्या हो जाएगा मेरे पास, आई इनटू एरिया, पावर हो जाएगा मेरे पास आई 16×10⁻³ एंड एरिया इज 1×10⁻⁴. ओके, तो इससे मेरे पास सॉल्व करने पे आ जाएगा 16×10⁻⁷. ये तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जो पावर इंसिडेंट है वो. अब पावर को हम कैसे लिखते हैं बेटा, पावर हो जाएगा हमारे पास देखो टोटल एनर्जी बाय टाइम. अब टोटल एनर्जी बाय टाइम को आप कैसे लिखोगे, एनर्जी ऑफ फोटोन एन, मान लो एन फोटॉन्स आ रहे हैं और एक फोटोन की एनर्जी हमने ये मान ली, एनर्जी ऑफ फोटोन बाय टाइम.
अब इससे मैं लिखूंगा एन, स्मॉल एन का मतलब क्या है, एन बाई टी, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब एनर्जी ऑफ फोटोन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपको एनर्जी ऑफ वर्क फंक्शन गिवन है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन के लिए आपको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ऑफ फोटोन गिवन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 16 इंटू 10^-7, इससे मेरे पास n कितना आ जाएगा, दिस विल बी 16 10^-7 अपॉन 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं लिखूंगा 1.6 इंटू 10^-19, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा मेरे पास 10 टाइम से कैंसिल आउट, तो ये पूरा कैंसिल आउट, दिस विल बी 10^-12। अब ये क्या है, ये है नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, और हमने क्या बोला है कि इसमें जो नंबर ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, और साथ में इन्फॉर्मेशन दी मैंने कि 10% फोटॉन ही जो है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो जब मेरे पास नंबर ऑफ फोटोन आ गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है पर सेकेंड, यहाँ मैं लिखता हूँ फोटॉन्स का नंबर है, तो नंबर ऑफ फोटोन का जो नंबर है उसका केवल 10% है, मतलब कि डिवाइड बाई 10, जब आप इसको यहाँ पे 10 से डिवाइड करोगे 10^12 डिवाइड बाई 10, दिस इज 10^11, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होंगे पर सेकेंड वो कितने होंगे, 10^11। एक तो ये ऑप्शन बन गया, दूसरा इन्होंने आपसे क्या पूछा है, वर्क फंक्शन पूछा है, तो इसमें आपसे पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी मेरे पास E max, this is energy of photon minus work function. Energy of photon is what? 10 electron volt minus 5 electron volt. तो final electron volt अपना आंसर आ जाएगा, तो ये second option अपना बन गया. ओके बच्चों, तो ये अपना fourth question यहाँ complete होता है. हम देखते हैं अब next question, question number 5. A moving hydrogen atom to make the head on collision with a stationary hydrogen atom. Hydrogen atom जो move कर रहा है, जो stationary hydrogen atom से टकरा रहा है. The before the collision, both atoms in the ground state, and the after collision, they move the together. So, no, move होते हैं. So, what is the velocity of moving atoms in the after collision? After collision के बाद, one of the atoms get the minimum executing energy. So, in minimum energy के executing, मतलब जो energy मिलती है, उनको minimum मिल रही है. तो हमें पता है कि minimum energy कब निकलती है? मुझे पता है अगर ground state से मैं पहले condition पे जाते हैं, तो ground state से अगर energy निकालने के लिए, तो energy की जितनी requirement होती है ground state पे, वो कितनी होती है time in -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है? अगर वही अगर E2 को लूं सेकंड लेवल से, फर्स्ट लेवल से अगर मैं निकालूंगा, तो वहां कितनी होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर मुझे मिनिमम दोनों में एनर्जी का डिफरेंस निकालूं, तो कितनी एनर्जी मुझे चाहिए, तो वो चाहिए -3.4 माइनस ऑफ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि टोटल एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड होगी, एग्जीक्यूट होगी, इसी एनर्जी से एग्जीक्यूट होगा। अब मेरे को चाहिए क्या, मुझे कोलिजन दे रखा है, तो मैं जानता हूं एक हाइड्रोजन एटम है जो एक अदर हाइड्रोजन एटम से टकरा रहा है, दोनों बॉडी का मास कितना होगा, वो तो सेम ही होगा, क्योंकि दोनों है तो क्या, हाइड्रोजन एटम। और अगर ये किसी वेलोसिटी मान लेता हूं u से जा रहा है और वो इससे टकराएगा, तो टकराने के बाद ये हाइड्रोजन एटम और एक और हाइड्रोजन एटम, दोनों हाइड्रोजन एटम किसी वेलोसिटी v से चलेंगे, तो ये भी वेलोसिटी कितनी होगी, तो मैं दोनों में मोमेंटम कंजर्व लगाता हूं, तो ये कितना m और m, इसका मास कितना हो जाएगा 2m, तो मोमेंटम कंजर्व लगाऊं तो ये हो जाएगा m इनटू u, इसका 0, इसके लिए इसका कितना हो जाएगा 2m इनटू v, m से m कट जाएगा, तो यहां से v बराबर u / 2 मिल जाएगा, ठीक है? तो वेलोसिटी मुझे पता लग गई इतनी है। अब अगर मैं बोलूं कि एनर्जी का कितना चेंजेस होगा, अभी पहले एनर्जी इतनी थी, बाद में एनर्जी इतनी होगी, तो इस एनर्जी का जो डिफरेंस होगा वो इस एनर्जी के बराबर होना चाहिए, ये क्वेश्चन में बोल रहा है। तो अगर मैं इन दोनों एनर्जी को बराबर कर दूंगा, तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, 1/2 m u स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देता हूं बाद में, मास कितना हो गया 2m और वेलोसिटी कितनी है v का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होगा, चेंजिंग एनर्जी के बराबर होगा, जो चेंजिंग एनर्जी कितनी होनी चाहिए 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब वैल्यू पुट करें तो यहां से 1/2 m कॉमन आ गया, बचेगा कितना u स्क्वायर माइनस, अच्छा यहां से अगर लेके तो मास कितना है 2n की 2 तो रहेगा ही, और v की वैल्यू कितनी है u/2, तो u/2 पुट करेंगे तो u स्क्वायर / 4 हो जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, तो यहां अगर इसको सॉल्व करें तो ये बना 1/2 m, u स्क्वायर में से वैल्यू जाएगी तो कितनी बचेगी u स्क्वायर / 2 बचेगी, तो टोटल कितना हो जाएगा m u स्क्वायर / 4, यानी कि डेल्टा एनर्जी जो होगी ये 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये किसके बराबर होनी चाहिए, इस वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, यानी कि m u स्क्वायर / 4 इज इक्वल्स टू 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। वेलोसिटी पूछ क्या रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है आपसे, तो वेलोसिटी u स्क्वायर इज इक्वल टू 10.2
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इलेक्ट्रॉन सॉल्व करेंगे तो 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाय, अच्छा ये 4 भी तक जाएगा तो 4 में मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन मास, मास किसका, हाइड्रोजन एटम का, जो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपका हाइड्रोजन के एटम का मास कितना है, देखिए ये लिखा हुआ हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, मास ऑफ द हाइड्रोजन एटम इस कितना है 1.673 into 10 to power minus 27, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वैल्यू बनेगी, इसको जब सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी U बराबर 6.25 into 10 to power 4 मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन ओके बच्चों, तो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन में देखें तो आपको बोला हुआ है कैथोड ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल इज चेंज्ड सच दैट द वर्क फंक्शन चेंजेस फ्रॉम फाई वन टू फाई टू, द सैचुरेशन करंट बिफोर एंड आफ्टर चेंजेस चेंज आर आई वन एंड आई टू एंड अदर कंडीशन अनचेंज, अदर कंडीशन अनचेंज बोलने का मतलब है कि जो आपने इंसिडेंट फोटोन या जो इंसिडेंट फोटोन का जो सोर्स था उसको आपने चेंज नहीं किया। अब देखो जब आपने वर्क फंक्शन चेंज कर दिया तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रॉन था उस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हम कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, वो होता है एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन। अब हमने वर्क फंक्शन को चेंज किया तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो चेंज होगी लेकिन जो करंट होता है वो करंट किस पे डिपेंड करता है, वो करंट डिपेंड करता है इंसिडेंट फोटोन के नंबर पे, भाई जितने फोटोन्स आएंगे उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन हम चेंज नहीं कर रहे क्योंकि हमने बाकी कंडीशंस को सेम रखा है, अदर कंडीशन सेम बोलने का मतलब क्या है कि आपने नंबर ऑफ फोटोन सेम रखे, तो नंबर ऑफ फोटोन सेम रखने का मतलब क्या हुआ कि जब नंबर ऑफ फोटोन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम वो भी सेम निकलेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिट होंगे वो भी सेम होंगे। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है तो जो इंटेंसिटी जो वैल्यू होगी सैचुरेशन करंट की या फोटो करंट की वो इस चीज पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम, तो आपने इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को चेंज नहीं किया तो इसका मतलब सैचुरेशन करंट भी चेंज नहीं होगा और हमारा आंसर बन जाएगा इस केस में फर्स्ट ऑप्शन I1 = I2। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिखा रहा है, गिवन दैट अ फोटोन ऑफ लाइट हैज अ वेवलेंथ 10000 वेवलेंथ होती है तब उसकी एनर्जी कितनी होती है 1.23 यानी कि 1.3 और पर 10000 वेवलेंथ थी। अब आप बात करते हैं जब इंटेंसिटी आई नॉट है तो वेवलेंथ कितनी करी 5000 एंगस्ट्रॉम, द फोटो जो सेल करंट एंड आपको दे रखा स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है 0.40 माइक्रो एंपियर एंड 1.36 वोल्ट। अब तक पूछा है तब इस कंडीशन इसके लिए वर्क फंक्शन क्या होगा यानी जिस मेटल पे गिरी होगी उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, तो वर्क फंक्शन अपने को निकालना है। सबसे पहले अपने को डाटा दे रखा है, एनर्जी दे रखी है तो वेवलेंथ कितनी है 10000, मुझे पता है कि एनर्जी बराबर hc अपॉन लैम्डा होता है, तो hc अगर यहां से निकाले तो वो एनर्जी इनटू लैम्डा के बराबर होगा, hc एनर्जी कितना होगा आपका hc, तो एनर्जी कितनी दे रखी है, एनर्जी दे रखी है 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इनटू लैम्डा दे रखा है 10000, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो hc की जो वैल्यू हो जाएगी वो जाएगी 1.23 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम के बराबर। तो यहां से मुझे hc की वैल्यू मिलेगी, यही वैल्यू में अप्लाई करूंगा। तो अगर मैं देखूं तो आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, आइंस्टीन इक्वेशन ev नॉट इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा माइनस फाई, ये वैल्यू इसमें पुट करें अपने को फाई कैलकुलेट हो जाएगा। ev इलेक्ट्रॉन को रहने दो, वोल्ट आपको पोर्ट दे रखा है कि क्या पोर्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कितना गिवन है आपको 1.36 वोल्ट, ये वैल्यू अगर यहां रखें तो 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रहने दो डिवाइडेड बाय hc, hc भी अपने को कितना निकाला अपने 1.230 अपॉन लैम्डा, तब लैम्डा कितना बोल रहा है, लैम्डा बोल रहा है 5000, तो अगर यहां वैल्यू पुट करें एंगस्ट्रॉम में ही तो 5000 माइनस 5, 5 आपको कैलकुलेट करना है तो यहां से 5 कैलकुलेट हो जाएगा, तो 5 बराबर इस वैल्यू को अगर सोल्व करेंगे तो ये आएगा 2.36 माइनस करूंगा इसमें से 2.46 इसमें से माइनस करूंगा 1.36 तो ये आ जाएगा 1.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों तो कौन सा ऑप्शन हुआ, ऑप्शन बच्चों हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन में, इसमें बोला है लाइट ऑफ वेवलेंथ 12-14 angstrom fall on a metallic sphere of radius 1 meter.
एंड वर्क फंक्शन phi इज 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट फ्रॉम द स्फीयर टिल द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टॉप्स. तो देखो बेटा, जब यहाँ पे आप किसी स्फीयर पे इंसिडेंट लाइट डालोगे तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे. इलेक्ट्रॉन्स जब निकलेंगे तो ये स्फीयर पॉजिटिव होता जाएगा ना. तो इससे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स निकलते जाएंगे इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा. तो इस केस में अब ये स्फीयर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को वापस रीअब्सॉर्ब कर लेगा अट्रैक्शन की वजह से. तो उस इंस्टेंट पे जो इसका पोटेंशियल है वो कितना हो जाना चाहिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल जितना. तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट अगर कैलकुलेट करें तो वो क्या हो जाएगा, ई माइनस फाइव. एनर्जी ऑफ फोटोन कितना, वेवलेंथ कितना गिवन आपको, 1240. तो ये हो जाएगा 1240 है ना. और फाई कितना गिवन आपको, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना आ जाएगा, 10 माइनस 3, तो इट इज 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, तो 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आपका वी नॉट वोल्टेज आ गया. अब इस केस में जब हम यहाँ पे पोटेंशियल बात करेंगे तो वी स्फीयर जो हो जाना चाहिए वो कितना हो जाना चाहिए, वी नॉट. ये क्या हो जाएगा, KQ/R इज वी नॉट. तो Q कितना हो जाएगा, तो Q हो जाएगा हमारे पास वी नॉट आर बाई के. ओके, अब Q को मैं क्या ले सकता हूँ, N इन टू E. मान लो N इलेक्ट्रॉन्स इसमें से जा चुके हैं तो N E इज वॉट, वी नॉट आर बाई के. सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी वॉट, वी नॉट अपॉन आर के ई. ओके, अब यहाँ वैल्यू डाल ली आपको V नॉट. अब देखो 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, यहाँ पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है. तो इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आएगा वो इसी को इसे डिवाइड कर दो तो V नॉट कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 7 वोल्ट. अब 7 वोल्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया तो इसको 7 की इक्वल कर दो, R की वैल्यू 1, K 9 × 10⁻¹. और इतना आ जाएगा मेरे पास 1.6 × 10⁻¹⁹. सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 बाई नाइन 1.6 तो ये हो जाएगा बेटा 7 बाई नाइन इंटू 1.6. और ये −19 में 9 और 10 ऊपर गया तो ये हो जाएगी 10⁻¹. सॉल्व करने पे आता बेटा 0.486 × 10⁻¹⁰, जो कि सॉल्व करने पे कितना हो जाएगा 0.486 × 10⁻¹⁹. तो ओके बच्चों, तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, उसके बाद फाइनली वी नॉट निकाल लिया. वी नॉट निकालते अपना यहाँ पर आंसर बन जाएगा. ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 9. द सरफेस ऑफ लिथियम ऑफ वर्क फंक्शन, आपको इसका वर्क फंक्शन एक 5. इसको अपने को क्या करना है, इसकी एक इक्वेशन आपको दे रखी है क्वेश्चन में, E is equals to A. इसको अगर हम यहां लिखते हैं कि E equals to A 1 cos ωt cos ω0t, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है. और बोला गया है द मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि आपको इसके लिए मैक्सिमम मिनिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मैक्सिमम कितनी होगी और मिनिमम कितनी होगी. तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. इस इक्वेशन को सॉल्व करके लिखे हैं तो इसको क्या लिख सकता हूं, तो ये हो जाएगा A cos ओमेगा नॉट t प्लस A cos ओमेगा t cos ओमेगा नॉट t. ठीक है, अब इस इक्वेशन को अपन अगर देखें तो यह एक ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन से, कौन सी, हम जानते हैं 2 cos A cos B बराबर होता है cos A plus B plus cos A minus B. तो ये अगर वैल्यू हम यहां पुट करें तो देखेंगे, तो इसको लिख सकता हूं मैं A cos omega naught t plus A by 2 cos ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट टी प्लस कोस ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट टी. तो ये अपने को इक्वेशंस मिल गए. ठीक है, अब इस इक्वेशन में अगर देखें तो फ्रीक्वेंसी, तीन फ्रीक्वेंसीज यहां पर दिख रही है, एक ओमेगा नॉट, ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट और ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट. तो अगर हम यहां से फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, ओमेगा. मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है,
मैक्सिमम आपकी ओमेगा प्लस ओमेगा नो डिवाइडेड बाय 2 पाई क्या बन जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। तो अब अगर मुझे फ्रीक्वेंसी पता लग गई तो मैं इसको अप्लाई कर सकता हूं कौन सी एक इक्वेशन से, आइंस्टीन की इक्वेशन से। क्या होती है आइंस्टीन की इक्वेशन होती है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम काइनेटिक एच म्यू माइनस फाइव के बराबर होगी। तो मैक्सिमम मुझे पता लग गया कि फ्रीक्वेंसी इतनी होनी चाहिए, ये फ्रीक्वेंसी यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा एच ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई माइनस 5। दिस इज ये क्या हो जाएगी इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है, क्या पूछा है मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अच्छा मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है भाई, अगर मुझे किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो कम से कम मुझे जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 मतलब वर्क फंक्शन के बराबर की एनर्जी तो देनी होगी तभी इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा। हालांकि जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी कब, जब मैं वर्क फंक्शन के बराबर दूंगा, यानी कि एच म्यू किसके बराबर होना चाहिए 5 के बराबर। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा, देखिए ऑप्शन कौन सा कितना आ रहा है एच म्यू प्लस ई, तो ऑप्शन हो गया थर्ड। बच्चों हमारा अगला 10th क्वेश्चन आता है, इसमें बोला है फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, इक्वल एनर्जी, लैम्डा फोटोन एंड लैम्डा इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू। अब इसमें आपको बोला है कि फोटोन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है और आपको रेशियो पूछा है फोटोन की वेवलेंथ और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ का। फोटोन की एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो होता है एच सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा फोटोन क्या हो जाएगा बेटा एच सी बाय ई। ओके अब लैम्डा इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है h by lambda। अब यहाँ ये इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कौन सी वेवलेंथ है, मैटर वेवलेंथ है ना, तो इस केस में h by lambda, तो lambda क्या हो जाएगा h by p और p क्या होता है h upon root 2 km। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी को कितना बोला बेटा इन्होंने e बोला हुआ है कि सेम है, तो इस केस में हमारे पास लैम्डा इलेक्ट्रॉन और लैम्डा ये आ गया, इसको मैं लिखूंगा हमारे पास h अपॉन रूट 2 के एम। ओके बेटा सॉल्व करोगे तो ये h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे पास बचेगा रूट 2 के की जगह क्या आ जाएगा हम वापस e लिख देंगे, तो रूट 2 के एम बाई ई, फिर इसको रूट 2 ई एम बाई ई, तो फाइनली सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा ये आ जाएगा रूट 2 एम और इधर c भी बचेगा तो अपने पास यहाँ c और बचा हुआ है साथ में रूट टू एम सी अपॉन रूट ई। तो इसका मतलब ये जो रेशियो है डिपेंडेंसी किस पे आ रही है अपॉन रूट ई पे ये प्रोपोर्शनल आ रहा है। ओके बेटा तो यहाँ तक अपना एक 10th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है अ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग द वर्क फंक्शन इज फाइंड आउट। आपको एक फोटो इलेक्ट्रिक का वर्क फंक्शन दे रखा है और लैम्डा दे रखा है आपको इसकी वेवलेंथ। अब पूछा है द फास्टर फोटो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है वो फास्ट है ब्रोगली वेवलेंथ आपको दे रखी है कि वो कितनी है लैम्डा डी है। पूछ रहा है अ चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट, जो लाइट जो वेवलेंथ है उसमें चेंज कितना हुआ जो लाइट इंसिडेंट हो रही है, और आपको दिया हुआ है कि रिजल्ट जो आपका रिजल्ट है चेंज का वो डेल्टा लैम्डा डी एंड इन किसमें लैम्डा डी के बीच। तो पूछा है रेशियो ऑफ द, पूछा है द रेशियो ऑफ लैम्डा डी अपॉन लैम्डा डेल्टा लैम्डा, ठीक है इसका अपने प्रोपोर्शनल रिलेशन निकालना है जिसके आपको ऑप्शन दे रखे, ठीक है। तो अगर हम जानते हैं इक्वेशन, जो इक्वेशन है आपकी क्या है, इक्वेशन है आपकी एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ एम वी स्क्वायर ये मैक्सिमम एनर्जी होगी, ठीक है। अब अगर इसको चाहे तो एम वी स्क्वायर इस रिलेशन को हम पोटेंशियल के फॉर्म में लिखे तो इसको लिख सकते हैं पी मोमेंटम के रिस्पेक्ट में पी स्क्वायर अपॉन टू एम, ठीक है। अगर हम जानते हैं कि पी बराबर क्या होता है एच अपॉन लैम्डा, तो अगर यहां पुट करें तो आपने डी ब्रोगली दे रखी इक्वेशन, तो एच बाय लैम्डा ये वेवलेंथ दे रखी है अपॉन टू एम, और इसका क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि ये तो पी है तो पी की स्क्वायर भी करना है, तो ये वैल्यू अगर यहां देखें तो रिलेशन क्या बना एच सी अपॉन लैम्डा माइनस फाइव इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन टू एम लैम्डा डी का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों में चेंजेस निकालना, चेंजेस निकालना तो क्या करें दोनों का क्या करते हैं इसका डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो दोनों साइड अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूं किसके लैम्डा के फॉर्म में, तो अगर इसका करेंगे तो एचसी तो क्या है आपका
कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मिला क्या 1/λ, तो 1/λ का डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, तो अगर चाहे तो इसको अपन ऊपर ले जा सकते हैं, लैम्डा की पावर -1, तो अपन पावर आगे लेके सॉल्व करते हैं, तो इसको लिख सकता हूं -1/λ² ठीक है। तो ये तो इसका डिफरेंशिएट हो गया। अच्छा फाइव क्या है, कॉन्स्टेंट, इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये क्या बन जाएगा 0 इक्वल टू, इसके लिए देखें तो h²/2m, ये तो कांस्टेंट हो गया, बचा गया 1/λd², अगर इसको सोल्व करें तो क्या बनेगा -2/λd³। ठीक, अच्छा यहाँ पे अपन किसके रिस्पेक्ट में किया, लैम्डा के, तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा dλ भी आएगा, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में किया λd, तो ये हो जाएगा dλd। अब इन दोनों का ही रेशियो क्वेश्चन में पूछा है, अगर इसको सोल्व करें तो ये बन जाएगा आपका -hc/λ² और इक्वल dλ इक्वल टू ये कितना मिला -2h²/2n, 2 से 2 काट सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब कांस्टेंट है, तो बाहर चला जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो निकालना है, तो इसको इधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा dλd/dλ, इस प्रोपोर्शनल रिलेशन निकालना सिर्फ, तो क्या बनेगा यहां से, ये बन जाएगा, ये इधर इधर जाएगा, तो λd³/λ² तो हम ऑप्शन देखते हैं इसमें कि ऑप्शन क्या है, तो अगर ये रिलेशन से रिलेशन कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन क्या, ओके थैंक यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है कि हाइड्रोजन एटम में जो रेडियस है nth ऑर्बिट की वो rn है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन fn, एरिया इनक्लोज्ड बाय nth ऑर्बिट दैट इज an, तो आपको ग्राफ्स पूछे गए, तो इनके लिए ग्राफ के लिए हमें अगर यहाँ ग्राफ में कुछ रिलेशंस बताने हैं, तो सबसे पहले बेटा हमको यहाँ पे बेसिक जो फॉर्मूला होते हैं वो लिखने पड़ेंगे। तो rn, अब nth ऑर्बिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, दैट इज r0 n² / z, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला हो जाएगा ना nth ऑर्बिट के लिए। फिर उसका जो फ्रिक्वेंसी, अब फ्रिक्वेंसी के लिए सबसे पहले मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख देता हूँ, वेलोसिटी होती है v0 z/n, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा बेटा 2πr/v, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr0 n² / z, ओके, एंड v इज v0 z/n, तो इस केस में यहां पे जो मेरे पास वैल्यू आ रही है, अब इस केस में जब हम फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बेटा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/T, तो यहां से याद आएगा, बाकी सब देखो कांस्टेंट है ना, तो इस केस में n की पावर 3 ये नीचे डिवाइड में आ जाएगी, तो इस केस में मेरे पास याद आएगा v/2πr0 z² नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, तो z² / n³, ओके ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आ चुके हैं। और साथ में हमें क्या बताना था, एरिया, तो एरिया क्या हो जाएगा बेटा, एरिया विल बी πr²। अब r जो है वो n स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, एरिया डिपेंड करेगा पाई r n, और r n की वैल्यू क्या हो जाएगी, r0 n² / z² तो इस केस में एरिया जो nth ऑर्बिट का आएगा वो कितना आएगा, पाई r0 square n² / z², तो ये हमारे पास एरिया का रिलेशन आ गया। अब इस केस में हमसे कुछ ग्राफ्स पूछे हैं, तो ग्राफ देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले आपको r n और n के बीच में रिलेशन बताना है, तो n स्क्वायर की डिपेंडेंसी, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा, ये देखो मोर देन वन ऑप्शन वाला है, इसमें और भी ऑप्शंस होंगे, तो r n by n का ग्राफ जो है वो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आ गया, ओके। अब दूसरे केस में आपको ये log an by a1, तो एरिया, अब देखो ये जो यहाँ पे क्वांटिटी है, इस पूरी क्वांटिटी को मैं कॉन्स्टेंट मानू तो इस केस में, और z भी हर ऑर्बिट के लिए कॉन्स्टेंट रहेगा, तो इस केस में ए एन विल बी वॉट a₁ n⁴, ओके, तो ln ए एन बाई a₁ विल बी वॉट 4 ln n, ये यहाँ पे log में इक्वेशन बनेगी। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, जब इक्वेशन हम देखेंगे तो log an बाई log n का ग्राफ फोर स्लोप की स्ट्रेट लाइन आएगा, बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। अब उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी के और लॉग एफ में ग्राफ पूछा है, फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंसी क्या थी बेटा, फ्रीक्वेंसी था 1/n³, तो यहाँ पे बाकी सब कांस्टेंट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ f₀/n³, तो इस केस में f/f₀ कितना हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन
एन क्यूब मतलब एन टू दी पावर माइनस थ्री, दोनों तरफ अगर आप लॉग लोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, एल एन एफ बाई एफ नॉट माइनस थ्री एल एन लॉग एन। तो इस केस में देखो माइनस स्लोप आने का मतलब ये कौन सी स्ट्रेट लाइन आई कि नेगेटिव स्लोप वाली, तो ये तो गलत हो गया, ये तो पॉजिटिव स्लोप की स्ट्रेट लाइन गिवन है। तो अपना यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके बेटा, तो आते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको कि द एनर्जी ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम इन ऑर्बिटल रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए हमें पता है z इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, तो हम यहां यूज कर सकते हैं। जब आपको कुछ रिलेशन दे रखे हैं, आपको आपको बोल रखा है क्वांटम नंबर n है, r e p, ये सब क्या है आपके एनर्जी मोमेंटम और रेडियस रेस्पेक्टिवली दे रखे आपको बोर्स थ्योरी हाइड्रोजन एटम के लिए, ठीक है। तो हमसे सबसे पहले ऑप्शन इसमें चेक करना है जो कि मल्टीपल चॉइस है, तो देखना पड़ेगा। देखो लिखा हुआ है EPR is a proportional to the 1 by n। सबसे पहले अभी जस्ट सर ने आपको बताया कि जो R होता है वो proportional होता है n square के, और velocity जो होती है वो proportional होती है 1 upon n के। क्योंकि अपने को पता है एनर्जी की भी बात कर रहा है और मोमेंटम की भी बात कर रहा है, तो हम वो भी निकाल लेते हैं। तो एनर्जी हमें पता है, एनर्जी बराबर कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि जो एनर्जी है वो वी स्क्वायर की क्या है, प्रोपोर्शनल है, यानी कि एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। तो v तो मुझे पता है किसके प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन n के, तो यानी कि ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, एनर्जी, एनर्जी होगी 1 अपॉन n, तो n का इसका भी क्या करना है स्क्वायर, यानी कि 1 अपॉन n स्क्वायर की होगी, किसकी होगी 1 अपॉन n स्क्वायर की, ठीक। अब दूसरी बात कर रहा है मोमेंटम की, तो वो भी निकाल लेते हैं। तो मोमेंटम बराबर हमें पता है क्या होता है, एम वी, तो अब दिख रहा है मोमेंटम मास तो कांस्टेंट, तो ये क्या बनेगा, पी इज इन प्रोपोर्शनल टू वी, तो v के, तो v किसका है 1 upon n, यानी कि p किसके प्रोपोर्शनल होगा 1 upon n के होगा, ठीक है। अब हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। देखो यहाँ क्या पूछ रहा है, सबसे पहले EPR यानी कि एनर्जी मोमेंटम और रेडियस, तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, तो अगर मैं याद देखूं EPR के बारे में, तो EPR के प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी, एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है, एनर्जी है 1 upon n स्क्वायर के, ठीक है, मल्टीप्लाई मोमेंटम, मोमेंटम किसके है 1 upon n के, और r किसके है n स्क्वायर के, तो ये n स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि जो EPR है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा 1 upon n के। तो देखो उसमें अगर आप ऑप्शन देखें पहला, तो पहले ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, EPR is proportional to the 1 upon n के, आपने भी यही आ रहा है क्या, इसका मतलब कि पहला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन सही है। दूसरी बात दे रखा है P by E, किसका दे रखा है P by E का, तो अगर इसके लिए चेक करें तो P by E, तो P by E चेक करते हैं, तो P और प्रोपोर्शनल देखना है अपने को, तो P कितना है, P का प्रोपोर्शनल मुझे पता है कितना है 1 upon n, यानी P तो है 1 upon n के upon एनर्जी, एनर्जी किसकी है 1 upon n square के, तो यहां से एक n से एक n कट जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा n, यानी कि P upon n, n के प्रोपोर्शनल होगा P upon e। तो यहां देखो क्या यही लिखा हुआ है क्या, हाँ यही लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए किसके, ER पूछ रहा है, यानी कि E और R का, तो अगर E और R की बात करें तो एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है 1 upon n square के, तो एनर्जी हो गया 1 upon n square, और R किसके प्रोपोर्शनल है n square के, तो मल्टीप्लाई n square, तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहां पे क्या आएगा n की पावर 0, या फिर बोल सकता हूं कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट होगा। तो अगर इस ऑप्शन देखें तो क्या लिखा हुआ है, ER इज अ कांस्टेंट फॉर द ऑल ऑर्बिट, यानी कि यह ऑर्बिट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब कांस्टेंट है। नेक्स्ट बोल रखा है PR के बारे में, तो अगर PR चेक करें हम, तो PR, तो PR के लिए क्या बोल रखा है, यानी कि मोमेंटम, मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल होता है 1 upon n के, और R किसके होगा n स्क्वायर, ये आंसर कर जाएगा तो क्या मिलेगा n, यानी कि जो PR होगा वो R के प्रोपोर्शनल होगा, तो लिखा हुआ PR इज द प्रोपोर्शनल ऑफ n, यानी कि ये ऑप्शन भी आपका करेक्ट है, ठीक है। ओके बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कुछ बेसिक थ्योरेटिकल जो पॉइंट होते हैं उनके बारे में बात की गई है, पढ़ते हैं एक पॉइंट हम, देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी, अच्छा इसमें क्वेश्चन में बोला है कि कौन से इसके जो पॉइंट फैक्टर्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं इस चीज को, क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं, देयर इज मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, ये तो बिल्कुल सही बात है, जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब हम लाइट की फ्रीक्वेंसी रखेंगे तभी फोटॉन्स वहाँ इमिट होंगे, तो उस केस में हम कंडीशन लिखते हैं कि जो म्यू होता है न्यू होता है वो न्यू नोट से ज़्यादा होना चाहिए, है ना, तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आएगा, बिल्कुल सही बात है।
फिर उसके बाद द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ओनली ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट नॉट ऑन द इंटेंसिटी। तो यहाँ पे ये भी बात सही कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि जो आने वाला फोटोन है या आने वाली जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसके कितने फोटोन सारे इस बात से मतलब नहीं है। चाहे एक फोटोन आए लेकिन अगर वो सफिशियंट एनर्जी का आएगा तो उससे भी एक इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो उतनी ही काइनेटिक एनर्जी का निकलेगा जितना अगर बहुत सारे फोटोन इमिट करते तब। तो इस केस में यहाँ पे जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, तो सेकेंड ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, इवन व्हेन द मेटल सरफेस इज फैंटली लिमिटेड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स लीव द सरफेस इमीडिएटली। इन्होंने बोला है कि अगर आपने थोड़ा सा भी उसमें कोई लाइट डाल दी, थोड़ा सा भी लाइट मतलब आपने कम फोटॉन्स डाले, तो भी अगर वो सफिशियंट एनर्जी के हैं तो भी सी बात है फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे, है ना। तो सफिशियंट एनर्जी का होना चाहिए, चाहे कितने फोटॉन्स आ रहे उससे मतलब नहीं। तो अपना यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन है वो भी करेक्ट है, है ना। और फोर्थ ऑप्शन, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज क्वांटाइज्ड, ये तो हम पहले से जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इलेक्ट्रॉन का वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट का चार्ज क्वांटम के नेचर में होता है। तो ये पर इससे यहाँ पे क्वांटम नेचर को इससे हम प्रूव नहीं करते हैं। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ओके बच्चों, नेक्स्ट पाते हैं 15th क्वेश्चन पे। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन, हाइड्रोजन एटम इज एक्साइटेड फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट से हम उसे एक्साइट कर रहे हैं टू द अनदर स्टेट, किसी अदर स्टेट में। The principle of quantum number is equal to n, 4 दे रखा है आपको, यानी कि n की वैल्यू कितनी बोल रखा है, 4 के लिए पूछ रहा है। The number of the spectrum line कितनी होगी, तो हम जानते हैं number of spectrum line, सीधा number of spectrum line कितना होता है n, n-1 by 2। अब इस n की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 4 minus 1 divided by 2, यानी कि 4 multiply 3 by 2 कर जाएगा तो कितना जाएगा 6। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, 6 आएगा। ओके सर, चलो नेक्स्ट बात है बच्चों। तो नेक्स्ट में आपको बोला है पार्टिकल इज मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस a अंडर द एक्शन ऑफ अट्रैक्टिव पोटेंशियल। अब इसकी टोटल एनर्जी आपसे पूछिए, तो इस केस में हम पहले फोर्स कैलकुलेट करें। तो इस केस में जो फोर्स होगा मेरे पास, दैट विल बी माइनस डीयू बाय डीआर। तो इस केस में फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो ये हो जाएगा मेरे पास माइनस के बाय टू, तो एज इट इज। और ये हो जाएगा आर वन अपॉन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 upon r³ विद माइनस साइन। तो फाइनली मेरे पास फोर्स कितना आ जाएगा, k अपॉन आर क्यूब। ये फोर्स क्या काम कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv स्क्वायर बाय r इज व्हाट, k बाय r क्यूब। तो इससे मेरे पास फाइनली ये r स्क्वायर बचेगा, तो mv स्क्वायर कितना आ रहा है बेटा, k बाय r स्क्वायर। और अगर मैं इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी इलेक्ट्रॉन की या पार्टिकल की, हाफ एम वी स्क्वायर में। अब ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ डालें तो ये हो जाएगा हाफ के बाई आर स्क्वायर। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा, के अपॉन टू आर स्क्वायर। और ऑब्वियसली बात है पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव भी बने। तो जब टोटल एनर्जी की मैं बात करूंगा तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है बेटा आपको, ये गिवन है माइनस ऑफ के अपॉन टू आर स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितनी गिवन है बेटा, ये है के अपॉन टू आर स्क्वायर। तो ये टोटल मिला के कितना आएगा, 0। तो इसका मतलब इस केस में जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वो 0 होगी। ओके बच्चों, चले सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है, अ बीम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ द इंटेंसिटी, आपको ये इंटेंसिटी दे रखी है यानी कि आपको आई पता है। नेक्स्ट द कंपेराइज ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल्स टू 310 नैनोमीटर, ठीक है। इसके बाद इट फॉल्स नॉर्मली ऑन अ मेटल, वर्क फंक्शन आपको दिया हुआ है कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ सरफेस। एरिया आपको दे रखा है यहाँ पर, एरिया भी पता है। If one of the 10^3, अच्छा एक बात और बोलिए, if one is 10^3 protons, यानि कि इतने protons is eject and electrons, यानि कि इतने photons पढ़ने चाहिए उसके बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा। The total number of electrons पूछा है कि कितने होंगे, और बोला है कि one is x 10^x, और x की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या होगी, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमें पता है कि जो एनर्जी होगी, एनर्जी अगर मैं देखूं, एनर्जी बराबर कितना होता है, एच सी अपॉन लैम्डा, कितना होता है, एच सी अपॉन
लेमडा होता है, ठीक है। अब इस वैल्यू को अगर पुट करें, एस सी बराबर कितना होता है 1240 डिवाइडेड बाई लेमडा आपको दिया हुआ है, कितना है लेमडा आपका 3, तो लेमडा लिखा हुआ आपका 310, इसको काटो 0 से 0 तो ये से कट जाएगा 4 टाइम्स, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपकी एनर्जी पता लग गई। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी आपको दे रखी है, वर्क फंक्शन कितना है, वर्क फंक्शन दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि एनर्जी कितनी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब कि ये एनर्जी सब सरफेस पे जाएगी तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बिल्कुल निकलेंगे, कि एनर्जी ज्यादा है, कम नहीं है उससे, क्योंकि कम होते हैं तब नहीं निकलते, लेकिन ये ज्यादा है, तो हम इसका मतलब एनर्जी जो है ये वर्क फंक्शन से आपकी ज्यादा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। तो हम अगर निकालें कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि जो प्रोटॉन्स हैं पर सेकंड कितने एडीसी निकलेंगे, तो अगर हम निकालें तो मुझे पता है एनर्जी मल्टीप्लाई नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, जो आपके प्रोटॉन्स है वो किसके बराबर होना चाहिए, इंटेंसिटी इनटू एरिया के, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, ये है पावर का फॉर्मूला। तो पावर का लगाए तो हम इस वैल्यूज को यहाँ पुट करते हैं, तो एनर्जी अपने पास पता है, अपने को एन निकालना है, तो एन इज इक्वल टू ए आई अपॉन ई हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू डाटा सारे यहाँ पुट करें अपन, तो डाटा कितना है 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू एरिया, एरिया कितना दिया हुआ है देखो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा, इसलिए मैं इसको 1 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय E, एनर्जी, एनर्जी कितना है मुझे पता है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो लिखें यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन 1.6 टेंस टू पावर 6.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 इंटू एरिया 1 अपॉन 4 इलेक्ट्रॉन की 4 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19। अच्छा, ये देखेंगे अगर, तो 1.6 से ये जाता है 4 टाइम्स, और 4 से ये 4 कट जाएगा, तो यहाँ पर अगर सोल्व करें इसको तो 19 और से 4 जाएगा, यानी कि बचेगा 10 टू पावर 14, ठीक है। तो ये नंबर्स मिल गए, लेकिन अपने से पूछा क्या उसने, उसने पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट कितने होंगे, पर उसने ये भी बोला है कि जब 10 टू पावर 3 में एनर्जी देता हूं तब जाके एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो यानी कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बराबर होंगे 10 टू पावर 14 डिवाइडेड बाय 10 टू पावर 3, तो कितना आ जाएगा 10 टू पावर 11, यानी कि आपसे पूछा गया है, जो आंसर होगा वो कितना होगा 10 की पावर x, यानी कि x आपसे पूछा है, तो x किसके बराबर होना चाहिए, x बराबर होगा 11 की। ओके बच्चों, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते बेटा हम, नेक्स्ट क्वेश्चन 18th क्वेश्चन में आपको बोला है, फर्स्ट मेंबर ऑफ बॉमर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज अ वेवलेंथ ऑफ 6561 एंगस्ट्रॉम, the wavelength of the second member of the Balmer series in nanometer. तो first member, देखो series हम देखें, ये हमारे पास nucleus, तो ये Lyman, Balmer, Paschen, तो n equals to 2, जब 3 से 2 में आता है तो ये first line बनती है Balmer series की, फिर जब 4 से 2 में आएगा तो ये second line बन जाएगी। wavelength का formula क्या होता है बेटा, जब इस तरह से photon निकलता है उनकी wavelength होती है 1 upon lambda is rz square 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square. अब जो first wavelength होगी Balmer series के लिए बात कर रहे हैं, तो इस केस में rz square ये हो जाएगा 1 upon 2 square minus 1 upon 3 square, ओके, और लैम्डा 1 यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा rz square 1 upon 4 minus 1 upon 9, तो it will be 9 minus 4 और 36, तो it will be 5/36 rz square. इसी तरह से मैं दूसरी वेवलेंथ की इक्वेशन लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा rz square. अब दूसरी वेवलेंथ कहां से आएगी, जब इलेक्ट्रॉन 4 से 2 में ट्रांजिट करेगा, तो 2 square minus 1 upon 4 square. This is what बेटा, ये हो जाएगा rz square 1/4 minus 1/16, तो ये हो जाएगा 16 minus 4/64, ओके, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 12/64, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 16 16 माइनस 4 64, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12/64 rz square. देन इसके बाद अब मैं दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम डिवाइड करें, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल देते हैं, तो फाइनली आ जाएगा मेरे पास लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 के 1 अपॉन लैम्डा है ना, इसलिए लैम्डा 2 ऊपर चला जाएगा, और इधर क्या बचेगा मेरे पास 5 बाय 36
और ये 64/12। ओके, तो इस केस में आपके पास जो आंसर बचेगा यहाँ पे, अब लैम्डा 2 आपको बताना, लैम्डा 1 कितना गिवन है, 6561 एंगस्ट्रॉम। तो इस केस में आपका जो यहाँ पे लैम्डा 2 हो जाएगा वो हो जाएगा 5 × 64/36 12 एंड दिस इज 6561। तो यहाँ जब आप वैल्यू डालोगे बेटा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कैंसिलेशन करेंगे तो 4 से यहाँ पे कैंसिलेशन हो जाएगा 16 टाइम्स, 4 से कैंसिलेशन 9 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो 20/27 एंड दिस इज 6561। ओके, तो एक बार देख लेते हैं कितना दिया था हमको, ये गिवन था हमें 6561। जब इसको आप कैंसिलेशन करोगे तो ये 243 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास जो आंसर बचेगा वो बचेगा 486। तो यहाँ पे जो दूसरा है वो आ जाएगा 486 एंगस्ट्रॉम। ओके बच्चों, ये नैनोमीटर में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में ज़्यादा आएगा तो नैनोमीटर में इतना आ जाएगा। ओके, यहाँ पे 4860 आएगा एंगस्ट्रॉम, तो इसको आप जब लिखोगे तो नैनोमीटर में कितना हो जाएगा 486। तो यहाँ पे इसका ये आंसर हो गया थ्री इंटीजर का, ये इससे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे अपना गुरुनीति का जो 31st पार्ट है वो कंप्लीट होता है। तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपके जेई में पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्वेश्चंस जो हैं वो काफ़ी क्लियर होंगे और कंसेप्ट काफ़ी इजीली आपको समझ में आएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।